एक सॉरी मैं आज खुद को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बिना गलती के भी मैंने काफी सॉरी बोले हैं। लिख रहा किताब निकले जे तू कहे ना पादा तेरा। गुस्सा, ये गुस्सा करना भी आना चाहिए है ना, बुरा लगने पर बताना चाहिए है ना। गलती सामने वाला करे और अंदर ही अंदर मैं खुटता रहूं, उसने कौन सा सोचा सुनाने से पहले, फिर मैं भला क्यों रुकता रहूं। वो तो हल्के हो जाते हैं और मैं खामखा खामोशी के बोझ के नीचे दब जाता हूं। सब वैन टशन से लाइन क्रॉस करते हैं और मैं तो उनकी ऑर्बिट में भी नहीं जा पाता हूं। खुद को खुद ही में समेट लेता हूं, बात बिगड़ने से पहले लपेट लेता हूं। ये जितने भी मेरे आसपास हैं, इन सबको हंसाने का जिम्मा क्या सिर्फ मेरे ऊपर है? किसी ना किसी को मुझे भी तो हंसाना चाहिए है ना। ये गुस्सा करना भी आना चाहिए है ना, बुरा लगने पर बताना चाहिए है ना। सॉरी, एक सॉरी मैं आज खुद को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बिना गलती के भी मैंने काफ़ी सॉरी बोले हैं। हालांकि मेरे दिमाग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी दिल ने छुपते छुपाते चोरी बोले हैं। मैं सोचता था कि अगर मैं शांत हो जाऊँगा तो शायद सामने वाला भी नहीं भड़केगा। कुछ बातों को मैं अनसुना कर दूंगा और कुछ बातों को वो नहीं पकड़ेगा। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है। जो सबसे ज़्यादा शांत होता है अक्सर रोता वही है। कोई ज़ुबान चलाकर हल्का हो जाता है, कोई आंखें बहाकर हल्का हो जाता है। मुझे भी गुस्सा करना सीखना ही पड़ेगा। आई टू हैव फीलिंग्स, ये दिखाना चाहिए है ना। ये गुस्सा करना भी आना चाहिए है ना, बुरा लगने पर बताना चाहिए है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही पोइट्री वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।